हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए एक बेहद ही खूबसूरत देश के बारे में बताने की कोशिश की है। दोस्तों, इस देश की महिलाएं दुनिया के किसी भी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके अलावा ये महिलाएं बहुत ही ज्यादा मेहनती होती है। ये घर के बाहर के कामों से लेकर अपने पति को खुश करने में नंबर वन मानी जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं, उस कंट्री का नाम है जमैका। दोस्तों, ये एक कैरेबियन द्वीप है जो अपनी नेचर की सुंदरता के लिए पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के बड़े बड़े हरियाली वाले पहाड़, खूबसूरत बीचेस, ये सारी चीजें अपने आप में ही एक अलग ही सुंदरता समेटे हुए है। दोस्तों, जमैका को वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े देशों में से एक इस देश को गिना जाता है और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम में खेलने वाले अधिकतर खिलाड़ी इसी देश से आते हैं। दोस्तों, जमैका की महिलाएं एक साथ कई सारे बच्चों को जन्म दे सकती है। यहाँ पर एक साथ जुड़वा बच्चों को पैदा करने के मामले में जमैका का नाम सबसे पहले स्थान पर आता है। दोस्तों, जमैका की महिलाओं को एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। जिस तरह से हमारे देश में अधिकतर पुरुष अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन जमैका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर घर के सारे कामों को लड़के या पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं सारे जिम्मेदारियों को उठाती है। यहाँ पर बच्चों से लेकर परिवार की खर्च महिलाओं को ही उठाना पड़ता है। हालांकि पुरुष भी थोड़े बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन अपने घर की महिलाओं से बहुत ही कम। दोस्तों, यहाँ के लोग प्रकृति से बहुत ही ज्यादा प्रेम करने वाले लोग माने जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे की खुशी के लिए एक पेड़ लगाया जाता है, जिसे बेबी ट्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जमैका में आज के समय में भी इंग्लिश दवाइयों के बदले खान पान और जड़ी बूटियों से इलाज करने में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, इस देश में 90% आबादी अफ्रीकन के लोग यहाँ पर रहते हैं, जो ब्रिटिशों द्वारा इन लोगों को मजदूर बनाकर जमैका में काम करने के लिए लाया गया था। दोस्तों, जमैका में किसी भी परिवार के कोई भी सदस्य मरता है तो उनके परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर गाना गाते हैं और अपने परिजनों को याद करते हैं। दोस्तों, जमैका की संस्कृति दुनिया के किसी भी देशों से काफी अलग मानी जाती है और यहाँ की संस्कृति को जमैका के नागरिकों के साथ घुल मिलकर रहने के बाद ही समझा जा सकता है। दोस्तों, पूरे कैरेबियन महाद्वीप में जमैका ही वो पहला देश बना था जहाँ पर पहली बार रेल की शुरुआत करी गई थी। दोस्तों, इस देश के प्रति किलोमीटर की एरिया में चर्च की संख्या पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, जमैका कैरेबियन क्षेत्र का पहला वो देश बना था जिसने साल 1994 ईस्वी में पहली बार अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की थी। इसके अलावा ये देश वो ब्रिटिश कॉलोनी रह चुकी है जहाँ पर पोस्टल व्यवस्था करी गई थी। दोस्तों, अगर हम कभी भी किसी भी देश में घूमने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पर जाने से पहले टैक्स चुकाना पड़ता है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जमैका जाता है तो उसे जाने से लेकर वापस आने तक का टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जमैका में प्रति व्यक्ति आय के बारे में, तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की प्रति आय भारत से भी काफी ज्यादा है, जो $9,940 के लगभग में मानी जाती है। दोस्तों, रैगे संगीत की उत्पत्ति भी जमैका में ही हुई थी। दोस्तों, शायद आपने मशहूर गायक बॉब मार्ले का नाम तो सुना ही होगा, वो भी एक जमैका के ही नागरिक थे। दोस्तों, अगर बात करें इस देश के कैपिटल के बारे में, तो जमैका की राजधानी किंगस्टन के नाम दर्ज है। और साथ ही इस देश के पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो ये देश 10,991 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 29,80,000 की आबादी रहती है। दोस्तों, इस देश में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म को माना जाता है, जो पूरे जनसंख्या के 80% आबादी इस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और बात करें इस देश में चलने वाली करेंसी के बारे में, तो यहाँ पर जमैकन डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक जमैकन डॉलर भारत में 50 पैसे के बराबर बैठता है। दोस्तों, पूरे दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले व्यक्ति हुसैन बोल्ट का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, ये भी जमैका के ही मूल निवासी हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग खुश रहना बखूबी जानते हैं। कोई भी परेशानी चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन इनके चेहरे पर मुस्कान ही इनकी पहचान है। दोस्तों, अगर आपको जमैका में कहीं भी फोन से बात करना हो तो इसके लिए आपको कॉलिंग कोड +1 डायल करना होगा और यहाँ पर कार ड्राइविंग लैब साइड में की जाती है। दोस्तों, ब्लू माउंटेन कॉफी दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉफी ब्रांड में से एक है और इस कॉफी का उत्पादन सिर्फ जमैका में ही किया जाता है। दोस्तों, इस देश के अधिकतर लोग मकई, केले, गन्ने और आम की सबसे अधिक खेती करते हैं। दोस्तों, यहाँ का किंगस्टन हार्बर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। दोस्तों, जमैका का राष्ट्रीय पेय पदार्थ रम को बनाया गया है, जो 17वीं शताब्दी से इस देश का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया था, उसी तरह से जमैका ने साल 1962 में अंग्रेजों से आजादी हासिल की थी, लेकिन यहाँ के लोग राष्ट्रमंडल में ही रहने का फैसला किया। तो दोस्तों, अगर आपको जमैका की ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।